एक बार पुनः भोजपुरिया घाटी भोजपुरिया चैनल में रवा सब के बहुत बहुत स्वागत बा। जे हमसे बड़ बा ओकरा के प्रणाम बा, आ जे हमारी समकक्ष बा ओकरा के नमस्कार बा, जे छोट बा ओकरा के आशीर्वाद बा। देखी सब बड़ा एक्चुअली हमनी का आयल मनी जा वो गाँव में घूमत फिरत रुआ सब के कुछ चीज़ के बारे में बतावे खातिर। जैसे देखी भाई इतना कुल गिरल बटे अचानक हमारी मन में आयल है कि जौन आगे वाली पीढ़ी भी आ जौन 5G आ बुलेट राजा कहलाती है वो करा के पता नहीं कर ज्ञान बा कि ना। आई हमार हमारी संगे अक्सर धीरज यादव जी बानी यहाँ को आ अक्सर यहाँ को संगे संग रही ना। ते बड़ा भय लगे तने एक जगह चलल जाओ देखल जाओ कि का कुल हो तड़े। तो वही मामनी के को मिलल एक जगह होरहा, एकरा के होरहा कहल जाला। और होरहा का मतलब ये होला कि जैसे चना का जौन पौधा बटे ओकरा के खेत में से उखाड़ लिया जाला। उखाड़ला के बाद ओकरा के आग में भून दिया जाला। भूलना के बाद ही ऐसे ऐसे ओकर जौन फली बड़ी से तो उन कुल गिर जाली से देखी सब। आ एकरा के भोजपुरी में कहले तो एकरा के निकियावल जाला। आ निकिया के एकरा के खाइल जाला। देखी सब ऐसे ही निकियावल जाला। आई देखी चटनी पिसाइल चटनी के साथ में है ये। हाँ तब धीरज जी मैंने कितना स्वादिष्ट चटनी बा। मक्का का डाल बटे कुल बहुत, ये इसमें मिर्चा है, धनिया है, लहसुन है, इसका स्वाद जितना बेहतरीन है मैं होटल में भी हम लोग नहीं खा सकते इसका स्वाद। तो ये देसी शुद्ध चटनी है। तो अब समझी सब है कि मतलब कि वो चटनी का भी एगो एकरा के चटनी कल चटनी मैंने चटक जौन जौन बड़े तो चन चटक रहे तो वही क्रम में बड़े तो कुल बाटे। अब देखी सब है एगो यहाँ हम रुआ सब के एगो पहली पीढ़ी के इंसान से एगो मिलवाओ तनी आपसे। अच्छा आपको क्या नाम पड़ी तो बलिराम, बलिराम चौहान आपका नाम है ना। तो यहाँ का नाम बलिराम चौहान पड़ी। यहाँ से हम कुछ पूछा तनी यहाँ के बताइब। अच्छी बताई राउर उम्र कितना हो गई? हमारी उम्र 78 बरस हो गई। 78 बरस। अच्छा कहना हो कि बताई कि रो 78 बरस से बानी यही माहौल में रोवा रही गई बानी। हाँ। ये माहौल में रही के रोवा आप कोनो स्वस्थ भी बानी इस समय? हाँ। तो अपनी जमाना में तो नहीं बताई हमने कि के तरह कुल मैंने रोवा सब के समय हो रहा होरा का व्यवस्था रही के तरह? बहुत बढ़िया हो रहा का व्यवस्था हो गई। कहीं थूका जाए देहात में बड़ा निकलत आदमी तो कहीं फूक दे जहाँ दो चार आदमी जुटना तो कहीं उखाड़ के यही नहीं कि अपना ही में से दूसरों में से उखाड़ के फुका गए। बहुत नाराज ना हो ना केहू ना बड़े केहू कही जे अरे हमारे में से उखाड़ ले ले अरे से उखाड़ नहीं है यार। बस यही पर से हो जात रहा यही तरह देहात में जाके गन्ना तुर लिया आदमी ऊख बड़ी ऊख कहा चार गो ऊख तुर रहा अपन चीभत घरे अच्छा अच्छा उसके बाद जब बाँच गया तो फिर आके लड़कन से कह दे जा सतोनी का वो जाके खाइए तो वो से जाके खा ले एक से एक वहाँ। अच्छा एक बात से बड़ा तो नहीं जो ये बताएं कि अगर के पचवे खाती है रसो सुपियत रहनी है तो पहले तो रस बड़े तो मने ऊख का गुड़े का गुड़ का अच्छा ऊख का अभी है वहां। अच्छा यहां आई बा अब है का अब देखी सब देखिए रस बनल बटे करे के रस कहल जाला। आई गन्ना के पेड़ के में दही डाल दिया जाला एकदम तो इतना ही पचे लागला कि कुल चना माने इतना खाई तो पच जाए। हां आई ई तो गुड़ का ना कचरा कचरा सब रहत रहल ऊख का। अच्छा अच्छा बढ़िया। आई बताएं कि जैसे मान लें कि अब ऐसे ही मक्का वक्का बाटे बोले बनी से बना करे के तो यू करो सब भून के खात उतर नहीं होता बाल के यही तरह। हाँ हाँ ई कहना हो कि राउर 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 कोनो अभी तक कोनो रोग व्याध बा नहीं एकदम स्वस्थ बनी 78 बरस के यहाँ हो गई। अब देखी सब एकर का राज बा। अब देखिए हेकरा एक कहल जाला श्रीफल का पेड़ है। हाँ भाई देखी एगो होने को बड़ तो नहीं जामुन है जो जामुन बा आ हेने को वही तूत बा वही तूत का भी पेड़ बटे। आई जौन पेड़ बा एकर तूत जब फड़ी एमा विशेष प्रकार के विटामिन पावल जला है तो आदमी एहू के खा ले। आई जामुन चुई तो एहू के खा ले। श्रीफल फड़ी तो वह खा ले। करवन बा एकर चटनी बन जी देखी सब करवन बटे। तो इतना जी एक संपर्क में जे रही ओकरा के एहू तरह कोनो रोग उग ना हो आ खुश रही आदमी। तो हम ही कहल चाह तनी कि जौन हमनी के भागा तनी एकदम शहर शहर में जाके आ बड़े बड़े कुल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहे कोशिश करते नहीं जा अपन जड़ छोड़ चल जाते नहीं जा। तो अगर तन ध्यान रखल जाए आसपास आवल जाए तनी गांव के व्यवस्था के देखल जाए तनी शुद्ध हवा लागी तेहू से हमनी के शरीर बड़े तो बहुत स्वस्थ रही। आ उससे कोरोना चाहे कोनो रोना कोनो कुछ कोनो ना हो देखिए हमन के बटल ही बन जाए हमन घूमत नहीं यही तरह बिना मास्क वोस्क के ऐसे यही खातिर बनावल जाए तनी वीडियो कि वह सब एकदम बिंदास होके जी सब खुश रही सब। आ देखी तनी पापा के बुलाओ अपनी स्टार्ट देखी
अब ये दूसरी पीढ़ी है, मतलब कि यहाँ का पहली अगर पीढ़ी माना जाओ 78 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 78 बरस के, वहाँ का यहाँ का लड़का है। आ यहाँ का लड़का कैमरा अपने तरफ घुमाओ, ये वो देख रहे हैं आप लोग, तो मतलब कि ये तीन पीढ़ी है। तो तीन पीढ़ी से मैंने क्या बतावल चाहते हैं वह सब कि ये मेन मकसद रहा बतावल कि और इन 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 यहाँ का ही पत्नी है, यहाँ का ही पत्नी है, मतलब ये सभी लोग और वह सब देख नहीं सब है कि सब लोग सब सबके सब स्वस्थ बा सब कुशल बा, ऐसे यह प्रकृति में रहता है। तो तनी अगर ये शहर में रहता है वगैरह से हम कहल चाहता नहीं कि भाई 15 दिन में एक दिन 4 घंटा का समय निकाली सबे आ कहीं प्रकृति की शरण में जाके रही सबे, शुद्ध हवा पानी खाई सबे, उसे रुआ सबे का स्वास्थ्य सही रही आ खुश रहे के कोशिश करी सबे। आ फिर हम आगे रुआ सबे के ऐसे कुछ और भी वीडियो ले लेके आए जगह जगह से कोई स्पेशल मिली तो वगैरह के ध्यान से देखी सबे, उससे लाभ उठाई सबे, अगर अच्छा लगे तो करा के शेयर करी सबे, आगे बढ़ाई सबे, जे राउर पटीदार अटीदार केहू बटे वगैरह के भेजी सबे, फॉरवर्ड करी सबे। तब तक के लिए नमस्कार।